देखो तुम अपना गलती मान रहे हो ना, वो बहुत है, बस आगे से ध्यान रखना। जाओ भी। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य ना करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे। हमारे दादाजी कहा करते थे कि अपराध सबसे बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ा गुनाह है अपराध को छुपाना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा चालान काटिए। नहीं, हमको आप एक बात बताइए, आप कौन से ग्रह से टपक के आए हैं? क्योंकि आप इस ग्रह के प्राणी महसूस नहीं हो रहे। क्या क्या नाम क्या है आपका? स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी। आपका 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 नाम? वही बता रहे हैं, इनकलाबी श्री ज्ञान प्रकाश शास्त्री के हम पोते हैं, भरत कुमार शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री, बहुत बढ़िया। भरत कुमार शास्त्री, आप बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के हैं। आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोग जो है ना, इस दुनिया में आजकल कम देखने को मिलते हैं। आप बस ऐसी प्रेरणा देते रहिए। आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुष्पा जी, चलान काटिए इनका। जी बात। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा मानसिक तनाव की वजह से तुम हेलमेट पहनना भूल गए, तुमको क्या मानसिक तनाव है? दरअसल हम एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है चालान। नहीं नहीं, हम ये बातें नहीं लिख रहे हैं, हम तारीख और गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए। हाँ। बताइए बताइए। देखिए, फिर भी हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, हम अकेले ही अपने घर में कमाने वाले हैं, सारे घर की जिम्मेदारी हम पर है। तो अभी कितने लोग हैं आपके घर पर? हम अकेले ही हैं। हाँ? नहीं नहीं, अभी हम घर में अकेले ही हैं, परिवार में 6 लोग और हैं जो गाँव में हैं। अच्छा, नौकरी चली गई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बस उसी तनाव में थे और हम निकल गए। तुम्हारा जैसे ईमानदार सच्चे इंसान को नौकरी से कोई काहे निकालेगा? हम नौकरी के लायक नहीं हैं। तुम लायक नहीं हो नौकरी के? हाँ, क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अमा, क्या बिल्कुल ही लपड़ गंजू है क्या तुम्हारा मैनेजर? तुमको अंग्रेजी नहीं आता, इस चक्कर में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा है? मतलब अंग्रेजी नहीं आता तो सारा हुनर, सारा टैलेंट, सारी योग्यता, वो सब कूड़े में गई? कूड़ा ना तुम्हारे मैनेजर के दिमाग में भरा हुआ है, पता तुमको? बिल्कुल सही कहा, ये कचरा तो सभी जगह भरा पड़ा है। हर एक को अपने यहाँ सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला ही चाहिए। मतलब हवाई अड्डा हो, दुकानें हो, मॉल हो, ऑफिस हो, सभी जगह यही हाल है। जिसकी जितनी अंग्रेजी अच्छी, बस वो उतना ही काबिल। एकदम सही बात बोली है पुष्पा जी आप, एकदम 100% सही। हम पूरा सहमति रखते हैं आपसे। आपको पता है संतु जी, आपको पता है? नहीं। बता रहे हैं ना संतु जी, हम पता है संतु जी, आजकल के जमाना में अगर कोई लड़का किसी लड़की के पास जाए और हिंदी में बोल दे ना कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ना लड़की ऐसा मुंह बना लेती है ना जैसे कि लड़का उससे चंदा मांग लिया हो। लेकिन अगर यही बात लड़का उससे इंग्लिश में बोल देना तो लड़की इतना खुश हो जाती है, इतना इठलाना शुरू कर देती है ना जैसे कि वॉशिंग मशीन में लॉटरी निकल गया हो। पहले अंग्रेजों का राज था, अब अंग्रेजी का राज है ना। पुष्पा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बार गांव गए थे ना तो सारा हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो गया, खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू है। हमारे बाबूजी का बीमारी तक ना डॉक्टर हिंदी में नहीं बता रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था कि बोलो गैस्ट्रो पेस्ट्रो कुछ तो हुआ है उनको। हमारे बाबूजी को कुल मिला जुला के हुआ खाली जुलाबी। मतलब तुम्हारे बाबूजी एक महीने तक? हाँ। तुम चिंता कर रहे हो कि मजाक उड़ा रहे हो यार? हम तो चिंता ही कर रहे हैं, लेकिन चिता भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अरे हटो, तुम्हारी भी यार जॉब जा रही है, हमारा धंधा इस वजह से बचे हुए हैं। अब देखो, हमारी दुकान में कोई आता है, अगर रेट हम उसको हिंदी में बता देते हैं तो ऐसे देखता जैसे कैंची दिखा के लूट रहे हैं हम। वो तो अंग्रेजी सैलून में जाओ ना, अंग्रेजी में जब पैसे मांगते हैं सब तो लोग रिक्शे का भाड़ा तक देके चले जाते हैं और हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। बताओ भाई, ये क्या चल रहा है? वैसे बात तो सही है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसकी कोई पूछ नहीं। पूछ? पूछ भाई, पूछ? देखिए केकड़ा, अरे क्या पूछ, पूछ नहीं फिर पूछ, इंपॉर्टेंस पूछ। अच्छा पूछ। जहाँ इंसान की पहचान, उसकी योग्यता, उसका महत्व सिर्फ एक भाषा पर निर्भर हो, वहाँ कैसे कोई काबिल इंसान अपनी काबिलियत सिद्ध करे? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो, मतलब जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती वो किसी लायक नहीं। वुमन हैज बीन डिफंस्टरेटेड। हंस क्या रहे हो बे, कुछ गलत बोले क्या? अरे स्टूपिड, वो डिफंस्टरेटेड नहीं, डिफेनेस्ट्रेटेड होता है, मतलब विंडो से बाहर फेंकना। क्या होगा तुम्हारा करिश्मा सिंह? बकवास, सब बकवास है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आने या ना आने से, हम बता रहे हैं तुमको।
सबसे ज्यादा जरूरी होता ना इंसान का आत्मविश्वास और उसकी योग्यता, जो किसी की मोहताज नहीं होती। हमको भी बहुत बोला जाता था, ए तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी जिंदगी में, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी जिंदगी में, देखो देखो हम कहाँ खड़े हैं तुम सबके सामने आज। सुना होता ना हमने उनका बकवास बात, तो हम किसी के घर पे बर्तन घिस रहे होते अभी। लेकिन नहीं सुना हमने और तुमको भी नहीं सुनने देंगे, समझ रहे हो तुम? तुम्हारा नौकरी ना हम तुमको वापस दिलाएंगे, ये हमारा वादा है और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तुम चलो हमारे साथ। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आते हैं। कार्य प्रगति पर है सर, प्लान काम कर रहा है और जैसा हमने सोचा था उससे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम हसीना मलिक जी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी सर, सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, हसीना मलिक हमसे मिलने आई है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक। बताइए, हम बहुत उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं यहाँ आने का कष्ट किया है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। पर उस दिन तो आपने हमें आपका दिल दे दिया था ना, तो अब क्या देना है? हाँ, गुब्बारा। ओ, हम मजाक कर रहे थे। ये आपके लिए। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें पर्सनल काम था थोड़ा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सर? इसमें पूछने की क्या बात है, देख नहीं रही हैं आप डीएसपी सर के हाथ में क्या है? मैडम सर भी तो अपने निजी काम से आई हैं। डीएसपी सर ने हमें गिफ्ट दिया था कुछ दिनों पहले, तो हमने सोचा हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट जी, बस वही देने आए। हम खोलें इसे? जी प्लीज। देखा, हमने कहा था खुली आंखों से देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। भाई हमको तो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सेलफोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा, ताकि हम सब हमेशा आपके कांटेक्ट में रह सकें। डीएसपी सर नहीं चाहिए, मतलब अनु भैया को सर, सर को फोन की आदत नहीं है ना, और अगर कभी लेना होगा तो खुद ही ले लेंगे, उनको गिफ्ट पसंद नहीं है ज्यादा सबसे लेना, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? हाँ बात तो सही है, परंतु किसी का हृदय तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। हाँ हाँ, वैसे तो बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं आपने, मगर इस बात पे हम आपसे सहमत हैं। अब इतने प्रेम से ये हमारे लिए कुछ लाई हैं, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर बात भी सही है, हम डीएसपी हैं, हमारी टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, इसलिए हम ये भेंट स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। वैसे आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? वो हमको हाँ बताइए ना। हाँ बता रहे हैं ना, मिलवाना है आपको किसी से हमको। सर इनका नाम है भरत शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री जी, भरत कुमार शास्त्री जी हैं ये, बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हैं। इनकी ईमानदारी की गारंटी हम पर्सनल लेवल पे लेते हैं सर। इनको अंग्रेजी नहीं आता है तो उसका क्या है, वो तो हमको भी नहीं आता है, पर उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इनको जॉब नहीं मिल रहा है, इनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा जॉब हो तो। लेकिन इन्हें जॉब की जरूरत क्या है? अभी आपने कहा ना कि यूएफडी बैंक में ये काम करते हैं। निकाला जा रहा है ना जॉब से। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? देखिए, आप अपने बैंक मैनेजर से बात करिए, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगिए और जाकर अंग्रेजी सीखिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई कि फिर अपना जॉब वापस शुरू कर दीजिए। और वैसे भी आजकल के जॉब्स में इंग्लिश आना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपकी इसी सोच की वजह से हिंदी भाषा का महत्व कम हो गया है। आप क्या ये बात आसानी से बोल लेंगे, क्योंकि आपको अंग्रेजी बहुत फराटेदार आती है, आपको दिक्कत नहीं होता अंग्रेजी बोलने में? अगर पूछना है ना तो भरत जैसे इंसान से पूछिए जिसको अंग्रेजी ना आने की वजह से आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है जिंदगी में। एक मिनट, करिश्मा सिंह, हम कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और समझ रही हैं। नहीं, आप हमें समझाइए, हम नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कह रही हैं। आप अंग्रेजी भाषा का इतना साइड क्यों ले रही है? गलत प्रचलन का इतना साइड क्यों ले रही है? अरे आप इस बहस को यही खत्म करते हैं। नहीं नहीं हसीना जी, आप जारी रखिए, हम जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? हम भी देखिए सर, हम अंग्रेजी भाषा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ गलत हुआ, हम ये बात मानते हैं। हम भी अपनी हिंदी भाषा को उतनी ही इज्जत देते हैं और जब कोई हिंदी के सामने अंग्रेजी को प्रेफरेंस देता है तो हमें भी उतना ही बुरा लगता है जितना शायद अभी आप दोनों को लग रहा है। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप एक तरफ कह रही हैं अंग्रेजी भाषा सीखो, दूसरी तरफ कह रही हैं आपको बुरा लगता है। मतलब आप पॉइंट पे आइए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? अपना फोन दीजिए। फोन का क्या करेंगी आप? दीजिए ना। हाँ, दे रहे। आपके फोन में ये कैमरा ऐप है? हाँ है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। तो फिर इस ऐप को डिलीट क्यों नहीं कर दिया? रखा हुआ है, कभी काम आ सकता है, इसमें नुकसान क्या अगर पड़ा है तो? एग्जैक्टली, हमारे विचार अंग्रेजी भाषा के बारे में बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर सीख लिया तो उसमें नुकसान ही क्या है, कभी ना कभी काम आ जाएगी। देखिए, दूसरी भाषाओं की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा ही है ना, अगर आप सीख लेंगे तो उसमें बुराई क्या है? कभी भी कुछ भी सीखा हुआ जिंदगी में जाया नहीं जाता, कभी ना कभी काम आ ही जाता है, तो अंग्रेजी भी काम आ जाएगी। और इसमें आपका नुकसान भी तो नहीं है, आपको आपका जॉब वापस मिल जाएगा, आप एक नई भाषा सीख लेंगे, और ये सब करने में आपका अपनी हिंदी भाषा के प्रति जो लगाव है, जो समर्पण है, वो कम तो नहीं हो जाता? ये बिल्कुल सही है, हम सहमत है। ये क्या बोल रहे हैं आप अनु भैया? सर, आप हिंदी भाषा के इतने बड़े पुजारी हैं, आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन काय कर रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह, हम अंग्रेजी भाषा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक व्यवहारिक बात पर अपनी सहमति दे रहे हैं। हाँ हाँ, देंगे ही ना, सहमति दी किसे जा रही है उस पर भी तो निर्भर करता है। तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, चलो। देखिए, उचित है किंतु। किंतु का भरोसा नहीं है हम पर? नहीं है। नहीं है? नहीं, अल्प विराम है, नहीं है, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। है, भरोसा है, किंतु। किंतु का? हम हसीना मैडम से सहमत हैं। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यदि हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान ले भी लें तो इसमें क्या बुराई है, कभी ना कभी तो हमारे काम आएगी। हमारे क्रांतिकारी स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे कि आंधी बड़े से बड़ा वृक्ष उड़ा ले जाती है, लेकिन घास को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि घास लचीली होती है। एक मिनट श्रीमान, क्या होती है? लचीली होती है। बहुत बढ़िया, इसलिए हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप देखिए, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे मिलकर और आपकी मीठी वाणी सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई श्रीमान। आपसे भी मिलकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए श्रीमान। प्रस्थान कीजिए श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद। वाह, मान गए हसीना जी। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। वायरल। आपको वायरल हुआ है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना, पुलिस को क्यों बुलाया? नो, माय नेम इज वायरल, वायरल किंग। कितना अजीब नाम है ना, वायरल। एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज विरल शाह, बट देन इंग्लिश एक्सेंट में
viral viral ho jata hai, so I thought it sounded much better than viral, and now it is viral king. To wo aap hi hain jinhone police thane mein phone kiya tha, chori hui hai aur apne chor ko pakad ke rakha hai. Yes, that was me. I called you about the theft. Aap hindi mein baat kar sakte hain? Why hindi? You don't speak or understand English? Aapko English aati nahi? No, we don't. Shall we leave? No. I'm SP. Sick person. To phir kaha na humne doctor ko bulana chahiye tha, police ko kyun bulaya? No. I mean, I'm surprised. Aap SHO hai and you don't speak English. By the way, I did my MBA in London. Wahan sabhi police wale English bolte hain. क्या बात कर रहे हैं आप? लंदन में सब अंग्रेजी में बात करते हैं और हिंदुस्तान में तो सब हिंदी में बात करते हैं. मतलब वो अपने देश की भाषा बोलते हैं और हम हमारे देश की भाषा. क्या बात है. Right, इसलिए हम उनसे पीछे रह गए. पता नहीं कब हम उनके लेवल पर पहुंच जाएंगे. जब हम अपनी हिंदी भाषा को इज्जत देना सीख जाएंगे तब पहुँच जाएंगे. और फिलहाल आपको अगर एतराज ना हो और आपको बोलने में तकलीफ ना हो तो आप बताएंगे कि चोर कहाँ है. FM? हमें ये भी कोई वक्त है FM सुनने का. Follow me. हिंदी. मैडम सर ने हिंदी में बात करने के लिए कहा है ना, तो हिंदी में बात कीजिए. आइए. चलिए मेरे पीछे. आप आइए आगे. मेरे पीछे. आइए. मेरे पीछे आइए. मैडम सर ये तो भरत है. आप जानते हैं इसे? Sit down. Carry on with your work. Sit down. इंडियन पुलिस चोरों को नाम से जानते हैं. I mean, मैडम हमने चोरी नहीं की है, हमें जानबूझ के फंसाया जा रहा है. He's telling lies. झूठ बोल रहा है ये. कोई क्यों फंसाएगा, ये फंसाने लायक है क्या इसमें? देखो यहाँ सबको. Just look at all these boys and girls. Stand up. अच्छे घरों से है, अच्छे बैकग्राउंड से है, इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड है. सिट. और इसको देखो. Poor fellow. हिंदी मीडियम से निकला एक बैकवर्ड डेस्परेट सस्पिशियस फेलो. ये चोरी इसी ने की है. ऑफिसर AH मतलब अरेस्ट हिम. व्हाट नॉनसेंस इज दिस. देखिए भाषा और लुक्स के बेसिस पर किसी को इस तरह से गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता. और ये भी कोई उठाई गिरा नहीं है. इनके दादाजी जो थे ना, एक महान क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकलाबी थे, तात्या टोपे के सहपाठी थे. और ये भी उच्च शिक्षित है, मतलब वेल एजुकेटेड आपकी भाषा में. आपके पास सबूत क्या है जो इतना वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं आप इस बेचारे पे? LMSY. अब इसका मतलब क्या है? लेट मी शो यू. ये है CKA, कैश कम अकाउंटेंट. बैंकिंग आवर्स खत्म होने के बाद जब मैं कैश रीचेक कर रहा था तो पता चला कि टोटल फिगर से 10,000 रुपीज कम है. और जब इसकी बैग की तलाशी ली गई तो सेम अमाउंट हमें इसके बैग से मिला. हमें नोट्स के सीरियल नंबर्स को मिलाया तो इसके बैग से मिले नोट के सीरीज हमारे गायब हुए नोट्स से मैच हो गया. नहीं नहीं मैडम सर, ऐसा हो ही नहीं सकता. भरत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता. HKKLK PLK FK. अब इसका मतलब? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फर्सी क्या. अगर आप चाहें तो आप CCTV फुटेज भी देख सकते हैं. विटनेस है जिन्होंने इसे ये करते हुए अपनी आंखों से देखा है. भरत सच सच बताओ, क्या तुमने ये पैसे चुराए हैं? मैडम हमारे स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे कि इंसान की आंखें उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती है. देखिए इन आंखों को, आपको लगता है कि ये चोर की आंखें हैं? दादाजी आंखें दर्पण? Are you, what nonsense is this? क्या बकवास बोल रहा है? Officer, look, मेरे पास कॉन्क्रीट एयरटाइट प्रूफ है कि ये चोरी इसी आदमी ने की है. अब या तो आप इन्हें अरेस्ट कीजिए या मुझे आपके सीनियर्स से बात करनी होगी. CIY. Choice is yours. Ma-
मैडम जी सुनिए, हम बेकसूर हैं। हाँ हम जानते हैं तुम बेकसूर हो, हम जानते हैं अच्छे से, और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुमको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। चीते मैडम, ये खोलो ताला। मैडम ऐसा अबोध खरगोश गोबर गड़े आदमी को अंदर कहाँ डाल दिया आप? हम जानते हैं कहाँ अंदर डाला है। पुष्पा जी हमको सब बताइए, तुम खोलो ना ताला। मैडम नहीं है। क्या नहीं है? चाबी नहीं है हमारे पास, ताला खाना संतू जी के पास होता। संतू जी चाबी दीजिए ना। चाबी दी है कबड़ की, तब भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये मासूमियत। संतू लॉकअप की चाबी, लॉकअप की चाबी हमारे पास नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे पास नहीं है चाबी? तुम्हारे पास नहीं है चाबी तो क्या भूत आया था क्या चाबी लेने? तुम एक सेकंड होल्ड करो। मैडम मैं पक्का झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो अभी तक मेरे पेट में बवाल हो गया होता। हाँ मैडम, हमको ना हमारे से ज्यादा संतू जी के बारे में पता है, सही बोल रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। चुप रहो बिल्ले। मैडम मैं आया। गया मैडम। मजा आया। ये करने के लिए गांव से आए? क्या हुआ मैडम? उस्तादी दिखाओ अपना, ये ताला खोलो। चाबी कहाँ है? चाबी नहीं है इसलिए तुमको बुलाया ना चोर। संतोष जी चाबी 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 तो दे के रखी, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? मासूमियत। थैंक यू पुष्पा जी। ना ना जल्दी खोल, जल्दी खोलो, खोल खोल बाबू खोल। रुक जा बिल्लू। बिल्लू तुम ये लॉकअप नहीं खोलोगे। ओके। बिल्लू लॉकअप खोलो। ओके। बिल्लू लॉकअप नहीं खोलोगे। ओके। बिल्ला हमने बोला ना लॉकअप खोलो, तो लॉकअप खोलो। ओके। ये हमारा ऑर्डर है, लॉकअप नहीं खोलोगे। जाओ रुक जाओ। मैडम मैडम सर आप पहले दोनों डिसाइड करो, ये खोलना है कि नहीं खोलना है। कर दो सारे सारे के सारे सारे दरवाजे खोल दो। वो दरवाजे में चुर 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 चुर। मैडम सर आप जानती है भरत निर्दोष है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है, उसको फंसाया जा रहा है। हम जानते हैं। आप जानती हैं फिर भी? करिश्मा सिंह हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बैंक का स्टाफ, सीसीटीवी फुटेज, इसके बैग में जो पैसे बरामद हुए, ये सारे सबूत इसके खिलाफ है। लेकिन मैडम वो सब झूठ है। देखिए जब तक सच साबित नहीं हो जाता आपको लॉकअप में रहना होगा, और इन्हें लॉकअप से कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है आप अपना ड्यूटी निभाइए, हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम इसको लॉकअप से बाहर निकालेंगे। आप खामोश बैठ सकती है मैडम सर, हम नहीं बैठ सकते हैं। करिश्मा सिंह खामोश हम भी नहीं रहेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसे बाहर निकालने की, लेकिन कानून की जद में रहकर। आप रहने दीजिए ना मैडम सर, आपने तो किया है सब कुछ है। आप ही ने कहा था ना ज्ञान बढ़ाओ, अंग्रेजी सीखो, वापस से नौकरी ज्वाइन करो। किया इन्होंने ज्वाइन, और देखिए कहाँ पहुँच गया आपके सामने। इसलिए अब जो करेंगे वो हम करेंगे, हम भरत को निर्दोष साबित करा कर रहेंगे। रुकिए करिश्मा सिंह, आप आज एक भरत को इंसाफ तो दिला देंगे, लेकिन हमारे देश में न जाने कितने भरत हैं जिन्हें रोज भाषा के नाम पर जलील किया जाता है, उनकी काबिलियत पर शक किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उन सब का क्या? देखिए हमारा मकसद सिर्फ एक वायरल जैसे बैंक मैनेजर को सबक सिखाने से पूरा नहीं हो जाएगा, हमें लोगों की सोच बदलनी होगी, उन्हें समझाने की जरूरत है कि हमारी हिंदी भाषा कितनी महान है। जरूरत है तो बस उसे समझने की, उसे इज्जत देने की, और उसे अपनी सही जगह देने की। तब सही मायनों में हम भरत को इंसाफ दिलाएंगे। करिश्मा सिंह ये एक लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमें आपके साथ की जरूरत है करिश्मा सिंह। अगर हम साथ हो जाएं तो हम जरूर जीत जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, फैसला आपका है। For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.